नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कंपस चैनल पर। आज की कहानी उन महत्वपूर्ण जीवन पाठों में से एक पर आधारित है जिसे गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, जो सोचोगे वही मिलेगा। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आइए इस प्रेरणादायक कथा में डूब जाएं और जानें कि बुद्ध के इस अद्भुत सत्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव किसी भी आम गांव की तरह था, जहां के लोग अपनी दैनिक परेशानियों और चिंताओं में उलझे रहते थे। इस गांव के लोग अपनी मानसिक स्थिति और विचारों के महत्व को समझने का प्रयास नहीं करते थे। वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ गांव के माहौल को महसूस किया और देखा कि वहां के लोग अक्सर एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रखते थे। उनके जीवन में दुख और निराशा भरी पड़ी थी। बुद्ध ने सोचा कि यह उचित समय है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाए जिससे उनका जीवन बदल सके। गौतम बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक बड़े राजमहल में नौकरी करता था। वह व्यक्ति हमेशा सोचता था कि वह कभी भी राजा के समान सुखी नहीं हो सकता। एक दिन उसे एक ज्ञानी संत मिला जिसने उसे सिखाया कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। इस व्यक्ति ने संत की बातों पर ध्यान दिया और अपने विचारों को बदलने का प्रयास किया। उसने नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाई। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह न केवल अपने काम में सफलता प्राप्त करने लगा, बल्कि उसने अपने जीवन में खुशियां भी हासिल की। बुद्ध ने कहा, यही है मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध ने समझाया, हमारे विचार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों से कहा, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने समझ लिया कि उनके विचार ही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाई और अपने जीवन में बदलाव देखा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपस को सब्सक्राइब करना न भूलें।